जेएनयू में किसने हिंसा भड़का दी? मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, एक नए भारत का उदय हो रहा है। मोदी जी के पहले पिटी पिटी से देश में डराते थे, आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से, खून की होली खेलते थे और वापिस दौड़ जाते थे। लेकिन अब मोदी है, अगर पुलवामा में गड़बड़ करोगे तो बालाकोट में घुस के आतंकवादियों की कबर खोद के दफना दिए जाएंगे। बड़े गुस्सा हो गए एक दिन, कहने के मुझे आतंकवादी कह रहे हैं भाजपा वाले, क्या कहें तुम? आतंकवादी केवल वो नहीं होता जो दूसरों को गोलियां मारता है, तुमने तो दिल्ली की हवा जहरीली कर दी। वचन दिया था कि साफ हवा में सांस लेंगे दिल्ली वाले, लेकिन जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें जहर है, और हमारे बच्चे जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों में धीमा जहर जाता है और उनकी उम्र कम होती है। बताओ जो दूसरों की उम्र कम कर दे वो आतंकवादी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, आतंकवादी है कि नहीं? और पानी अच्छा मिल रहा है क्या? अगर सबसे गंदा पानी कहीं पीने मिल रहा है तो दिल्ली की जनता को मिल रहा है, मेरे बहनों और भाइयों, दिल्ली की जनता को। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले, विवादों को जन्म देने वाले बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिर एक ऐसी बात कह दी जिससे कि लेकर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे के खिलाफ मैराथन दौड़ के बाद विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे विवाद पैदा हो गया। विजयवर्गीय ने कहा कि नशे में रहना अच्छी बात है, लेकिन यह नशा काम और देशभक्ति का होना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि नशा इतना भी ना हो कि मोदी जी जैसे शादी ही ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। नशे में तो रहना चाहिए, पर नशा काम का हो, नशा काम का हो, नशा देशभक्ति का हो, जैसे मोदी जी को है, ऐसा नशा होना चाहिए। पर इतने नशे में भी नहीं रहना चाहिए कि मोदी जी जितने नशे में की शादी नहीं करी है? तो इसलिए राष्ट्र भक्ति का नशा हमें होना चाहिए, नशा, और ऐसा नशा होना चाहिए जो एक बार चढ़े तो उतरे नहीं। ये जितने भी नशे हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, ये चढ़ने के बाद उतर जाता है। तो नशा हो तो ऐसा हो, काम का हो, राष्ट्र भक्ति का हो, है ना? ऐसा नशा होना चाहिए, बाकी उतरने वाला नशा जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां सफल मैराथन के लिए। हम अगले मंच पे चलेंगे जहां पर सब जो फर्स्ट आए उनको पुरस्कार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदिशा जिले के खरपरी गांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गंजबा सौदा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले खरपरी गांव में महिला का पति घर पर नहीं था, तभी महिला ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दंपति का 1 महीने का 1 बेटा और 2 छोटी बेटियां थी। बताया गया कि महिला का पति शराब का आदी था, वह अक्सर नशे में रहता था और इसी बात को लेकर परिवार में कलह बनी रहती थी। पति अक्सर महिला को प्रताड़ित करता था। छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना विधानसभा के विधायक नीलेश उइके ने पिता स्वर्गीय पूसाराम उइके की पुण्यतिथि पर हर साल की तरह इस साल भी उनके गृह ग्राम पंचायत रजोला रैयत में विशाल 2 दिवसीय राम सत्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलावा अन्य जिलों की भजन मंडलियों ने भी भाग लेकर अपनी भव्य रंगारंग प्रस्तुति दी। वही कार्यक्रम का समापन दहीलाही महाप्रसाद भंडारे के साथ हुआ। कार्यक्रम विजेताशाली भजन मंडलियों को प्रथम पुरस्कार 11,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 5,001 रुपए और अन्य सभी भाग लेने वाले मंडलों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व विधायक जतन उइके, जनपद पंचायत मोखेड़ अध्यक्ष कीर्ति विजय गांबड़े समेत जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग मौजूद। Thank you.
बालोद जिले के बालोद ब्लॉक में ग्राम सरकार को लेकर जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता ग्राम की सरकार बनाते उत्सुक हैं, वहीं प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ ही ग्राम पंचायत तोरमा और आश्रित ग्राम मेड़की में भी जमकर उत्साह दिख रहा है। मतदाताओं का कहना है कि सरल एवं मधुभाषी प्रत्याशी की ही जीत होनी चाहिए और उसकी प्राथमिकता केवल विकास रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्थानीय लोगों का होता है, व्यवहार मायने रखता है, इसलिए हम व्यवहारिक सरपंच चुनना चाह रहे हैं। रुझान जो आ रहा है, माहौल जो बना है ग्राम पंचायत वर्मा का, पुराना सरपंच को हटाना है और नया सरपंच जो बनाने का ऐसे चल रहा है वैसा, और भारी चश्मा छापनों का बढ़िया चल रहा है प्रसार प्रसार, और वैसे रुझान के हिसाब से चश्मा छापन विजयी नजर आएंगे। ऐसे हमारे ग्राम पंचायत वर्मा के लिए कुल 6 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 2 गाँव पड़ता है, आश्रित गाँव है। यहाँ रुझान जो बता रहे हैं हमारे भारत लाल साहू जो है वो चश्मा छाप में है, और वो जो घोषणा पत्र दिए हैं भारत साहू 6 प्रत्याशी में एक ऐसे घोषणा पत्र किए हैं जो जनहित के मुद्दों को सामने लाए हैं, जैसे कि इस गांव में अगर बेटी की शादी होता है उसके लिए 21 रुपये का सहयोग राशि, और छठी कार्यक्रम भी 21 रुपये का सहयोग राशि दिए है, और सरपंच बनने के बाद उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पधारे श्री सीताराम धन पचौरा को जन जागृति रामलीला रामकथा मंडल 27 जनवरी से छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सारंग बहरी में प्राचीन संस्कृति को जीवंत रखते हुए राम भक्तों के द्वारा तुलसीदास रामचरितमानस पर आधारित 7 दिवसीय संगीत में रामलीला और रामकथा का मंचन किया जा रहा है। इस कथा को सुनने को लेकर बड़ी दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से बालोद जिले के बालोद ब्लॉक में प्रारंभ हो गया। इस चुनाव में 60 ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए 247 प्रत्याशी, 16 जनपद सदस्य के 49 प्रत्याशी और 2 जिला पंचायत सदस्य के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 89,907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे। बालोद ब्लॉक में 60 पंचायतों के लिए 167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वही राजनीतिक दृष्टिकोण में से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। झलमाना मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंची बुजुर्ग तेजाबाई अपने मताधिकार का प्रयोग कर बेहद उत्साहित नजर आए। खनिया थाना विद्युत विभाग का एक और फिर नया अजीब कारनामा सामने आया है। शिवपुरी जिले के खनिया थाना विद्युत विभाग के JEMR सिद्दीकी ने नए कृषि बिजली कनेक्शन लगाने के एवज में उपभोक्ताओं के कई गुने रुपए वसूल कर लिए हैं और 5 रुपए की उपभोक्ताओं को रसीद थमा दी है। जब यह मामला हमारी टीम तक पहुंचा तो हमारी टीम ने उपभोक्ताओं से संपर्क किया और नए कनेक्शन लगाने के एवज में कितने रुपए लिए पूछा तो किसी उपभोक्ताओं ने बताया कि 6200, तो किसी ने कहा कि 7000 और रसीद केवल 5000 रुपए की ही दी है। जब उपभोक्ताओं ने जेई साहब से पूछा तो जेई साहब का उपभोक्ताओं से कहना था कि वो तो लगते ही हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ग्वालियर में मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य के ए दुबे पद्मेश जी से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। के न्यूज के दर्शक अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम लिखकर मेलबॉक्स ऑफ के न्यूज @gmail.com पर ईमेल करें। प्रथम 50 प्राप्तियों को निशुल्क परामर्श। प्रवासियों के लिए अंतिम तिथि 9 फरवरी 2020। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर एमपी के अनूपपुर जिले की है, जहां बिजली कटौती को लेकर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका परसान क्षेत्र में बिजली कटौती से अंधकार छाया हुआ है। पिछले कई महीनों से एसईसीएल कंपनी द्वारा परसान नगर पालिका के सभी वार्डो में एसईसीएल कंपनी की बिजली सप्लाई लाइन ट्रांसफार्मर हटाया जा रहा है। अचानक बिजली के खंभों से सप्लाई लाइन के तार ही एसईसीएल ने काट दिए हैं, जिससे कि नगर पालिका की आम जनता कई दिनों से अंधकार में रहकर अपने जीवन यापन करने पर मजबूर हो रही है। बच्चों की परीक्षा सिर पर आ पड़ी है। बिजली कटौती होने के कारण बच्चों की परीक्षा और भविष्य पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। वहीं लोगों ने परेशान होकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसईसीएल और नगर पालिका की आपसी खींचतान में आम जनता अधिकार पर रहने का मजबूर हो रही है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सनराइज हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने कार्यशाला रंगारंग प्रस्तुति दी। साथ ही मुंबई के जूनियर जॉनी लीवर ने छात्र छात्राओं, पालक और अतिथियों को खूब गुदगुदाया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने मां सरस्वती जी की पूजन एवं दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ ही माननीय अतिथियों द्वारा बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु उद्बोधन दिया गया और खेलकूद में प्रथम आने वाले बच्चों को मेडल एवं प्रमाण पत्र वितरण किए गए। उसी प्रकार कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों एवं के माता पिता को भी पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय अतिथियों में छिंदवाड़ा कलेक्टर राजेश शाही उपस्थित रहे। बालोद जिले की जीवनदायिनी कहे जाने वाले तांडला जलाशय से किसानों को रबी फसल लगाने के लिए पानी छोड़ा गया। ऐसे में किसान अपने खेतों में मताई व रोपा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। जल संसाधन विभाग के एसडीओ से मिली जानकारी के अनुसार 403 क्यूसेक से पानी छोड़ा गया है, जो कि 3200 हेक्टेयर खेतों में पहुंचेगा। कृषि कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी खेतों में पहुंचने तक डैम ने पानी निकासी जारी रहने की बात कही है। जलाशय से 403 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है रबी फसल के लिए, और इसका जो टारगेट है 3200 हेक्टेयर में सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। अब अभी तो फिलहाल शुरू हुआ है, कम से कम अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक इसका पानी किसानों की आवश्यकता अनुसार चलता रहेगा। टीकमगढ़ की अदालत से सटे नवनिर्मित बंगले में प्राइवेट ठेकेदार खुलेआम बिजली चोरी कर रहा है। बता दें कि अदालत परिसर में बिजली की पोल पर जो डीपी लगी हुई है, उस पर निजी ठेकेदार के द्वारा केवल डालकर बिजली चोरी की जा रही है और भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मामला बिजली चोरी का होता तो ठीक था, लेकिन बीच सड़क पर खुली केबल पड़ी हुई है, जिससे कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मामले को लेकर जब बिजली विभाग के सीनियर अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस मामले की जानकारी न होना बताया और विजिलेंस से इसकी जांच कराने को कहा। समाचार लिखे जाने तक ठेकेदार के द्वारा बिजली चोरी निरंतर जारी थी और यह बिजली चोरी बड़े लंबे समय से डीपी में सीधे तार डालकर की जा रही थी, जिसको वीडियो में देखा जा सकता है कि टीकमगढ़ जो सूरज सोनी की रिपोर्ट। लाइट की खुलेआम चोरी हो रही है और एमपीवी की गाड़ी सामने से आ रही है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, मेरी जानकारी में आपने बताया अनुसार ही आया है और मैं इसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच करवाता हूं और चोरी पाई जाती है जांच में तो नियमानुसार
उसकी धारा 135 के अंदर उसका पंचनामा बनाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और वो कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई से बचेगा नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान खत्म होने के बाद अब तीसरे और अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी पूरी तरह ताकत झोंकती है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 15 के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी लीना डडसेना ने जमरुआ पहुंचे, जहां मतदाताओं के घरों में डोर टू डोर संपर्क कर भूपेश सरकार के 13 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और अपने पक्ष में मतदान के लोगों से अपील की। प्रदेश में जिसे हमारे सरकार है कांग्रेस के ओकर रुझान में का बोलते हैं, अभी जितना भी है जितना भी हमारे जैसे जनसंपर्क करत हैं ओकर हिसाब से अभी हमारा बहुत ही लाभ मिला थे। जनता आपके साथ दी? हाँ, जनता मोर साथ दी ही और विजयी हूँ मैं। कुमार अर्जुन सिंह की स्मृति में 8 फरवरी को यादव अर्जुन सिंह द्वितीय सोपान के तहत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सीधी में किया जाएगा। कुमार अर्जुन सिंह सर्वहारा कल्याण मंच के संयोजक राजकुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के छत्रसाल स्टेडियम में समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुमार अर्जुन सिंह सर्वहारा कल्याण मंच की तरफ से 8 फरवरी 2020 का बृहद तौर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि इकट्ठा हो रहे हैं और कुंवर अर्जुन सिंह जी के याद में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। सीधी जिला के जनतन के यह निवेदन कराए चाहिए थे कि जो उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनके विचारन का सुने। ग्राम पंचायत चुनाव सिंगारपुर से सरपंच का चुनाव लड़ रहे ज्योति दौला साहू ने अपने जनसंपर्क में बताया कि सरपंच प्रत्याशी होने के चलते ग्रामवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो कि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ ग्रामीण स्तर के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक महीने की 1 तारीख को होने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम राजकीय परंपराओं के साथ शौर्य स्मारक से शुरू होकर वंदे मातरम के साथ वल्लभ भवन मंत्रालय परिसर में पूर्ण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह सहित आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ उस बुलेटिन में तहे, देखते रहिए खेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ग्वालियर में मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य के ए दुबे पद्मेश जी से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। के न्यूज के दर्शक अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम लिखकर mailbox@knews.gmail.com पर ईमेल करें। प्रथम 50 प्राप्तियों को निशुल्क परामर्श। प्रवासियों के लिए अंतिम तिथि 9 फरवरी 2020। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने की है चाहत, लेकिन जानकारी के अभाव की है दिक्कत, तो मत हो परेशान, वकील आपका देगा समाधान। देखिए सिर्फ के न्यूज़।